हमारे सिक लाइन में यहाँ 5 लेडीज स्टाफ है जी, सब टेक्नीशियन है और वो लोग को जिससे हम लोग काम देते हैं, चूँकि लेडीज़ है इसलिए लोग हैवी वर्क जैसे बोल्ट को फुल्ली टाइट करना प्रॉब्लम हो जाता है, तो दो तीन आदमी मिलकर करती है लोग। जब कुछ नहीं होता है तो जेंट्स स्टाफ को थोड़ा हेल्प कर देते हैं, जेंट्स लोग। हाँ, आस्ते आस्ते पहले से बहुत सीख गए हैं। पहले जो प्रॉब्लम था कैसे, हाँ शुरुआत में ट्रेनिंग पीरियड में आई थी, जो चारों लेडीज जो देख रहे हैं आपका ट्रेनिंग में था, अभी जस्ट इन लोग का 1 साल हुआ, 9 महीना हुआ, तो उसमें फिर अब इंडिपेंडेंट चार्ज लिया तो वो लोग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ मिसलिनियस वर्क है जैसे रिकॉर्ड कीपिंग बहुत मायने रखता है। इंडियन रेलवे में रिकॉर्ड कीपिंग अगर ठीक से नहीं रखेंगे तो किसी भी टाइम में एक्सीडेंट हो या किसी भी टाइम ऑफिसर चेकिंग होता है, तो हमारे सीनियर साहब भी किए हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग को अच्छा रखना चाहिए, साथ साथ काम भी लेडीज़ को भी सिखाना है, तो उन्होंने बोला कि लेडीज़ को भी सिखाओ, तो उनके इसमें हम लोग लेडीज़ को भी सिखा रहे हैं, कर रही है और अच्छा से कर रही है। ये नहीं कि नो हेजिटेट, तो हेजिटेशन नहीं है, कि थोड़ा डरती है कि अगर नहीं कर पाएंगे या चार्जशीट फर्स्ट होता है इसमें, हाँ इसमें डरती है, तो हम लोग डरने का कोई चिंता नहीं है, हम लोग हैं तो लोग तब से अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे जितना आपका कोच है वो कोच का ही काम होता है, कोच में इसमें दो किस्म का कोच है, ICF कोच बगल में देख रहे हैं, ICF कोच है और अभी LHB नया शुरुआत हुआ जी हमारा 1337 आप उसका रेट का हम लोग बनाए हैं। वहाँ कोचिंग में भी मेरा लेडीज़ है, हाँ वहाँ भी 10-12 को लेडीज़ है जो काम करती है। यात्री की सुरक्षा में महिला को भी जिम्मेवारी है, हाँ जरूर है, हाँ उसी को देखते हुए वो लोग ठीक से काम कर रही है कि अनसेफ नहीं भेजना है गाड़ी, वो लोग एक सिखाए हैं, जो किसी भी कुछ भी गड़बड़ होता है वो लोग बोलती है, जैसा ये गाड़ी में मेजरमेंट है तो मेजरमेंट वो लोग लेती हैं, तो मेजरमेंट में कुछ हुआ सर ये वाला गाड़ी का मेजरमेंट ऐसा मिल रहा है क्या करेंगे, तो फिर उसके एडवाइस देते हैं, चाहे ऐसा करो उसका गाड़ी निकालो।